हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सिंह। तो फ्रेंड, आज एक और नई वीडियो में लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेट्रोल पंप मशीन से हुई सेल का हिसाब किताब कैसे निकालेंगे आप, कि आपकी पेट्रोल पंप मशीन से किस नोजल से कितना पेट्रोल डीजल बिका है और टोटल मिलाकर कितनी सेल हुई है। तो टोटल सेल कैसे निकालेंगे हम, सुबह 6 बजे से पहले। जैसे मान के चलिए, आपने सुबह 6 बजे से पहले आपने अपनी पेट्रोल पंप मशीन को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 6 बजे रेट चेंज होता है। सुबह 6 बजे रेट चेंज होता है। यदि आपने सुबह 6 बजे से पहले मशीन स्टार्ट कर दी तो आपकी रेट चेंज ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारी टोटल सेल कितनी हुई है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें चलना होगा अपने स्टेटस पे। तो यहाँ पे हमारे नोजल्स होंगे, यहाँ से हम आएंगे अपने टैंक स्टेटस पे। टैंक स्टेटस पे हमने क्लिक किया तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये हमारा कैपेसिटी दिखाएगा टैंक की कि कितनी है। ये हमारी डिप दिखाएगा कि हमारे टैंक के अंदर अभी इतनी डिप है। इतनी डिप पे आप अपनी जो डिप चार्ट होता है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 60.42 पे कितना पेट्रोल होता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, ये इसमें दिखाएगा कि टैंक के अंदर अभी इतना पेट्रोल है। इसके बाद डेंसिटी दिखाएगा कि हमारी ये डेंसिटी है 727.94। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ से वाटर वगैरह दिखाया कि निल है, कुछ नहीं है, 0-0। इसके बाद टेम्परेचर भी दिखाएगा, ये देखिए फ्रेंड 28.66, यहाँ टेम्परेचर भी दिखा रहा है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दिखा रहा है ये 11,631। इसमें अभी इतनी कैपेसिटी, इसका मतलब है इतना अभी टैंक खाली है हमारा कि 11,631 लीटर अभी इसमें टैंक के अंदर आ सकता है। ये 2 डे सेल दिखाएगा 123 लीटर। जैसे मान के चलिए, अभी सुबह 6 बजे मशीन स्टार्ट हुई है तो 7-8 बजे तक इतनी सेल हो चुकी है। इसके बाद जैसे ही सुबह 6 बजेंगे, सुबह 6 बजे के यहाँ पे 0-0 हो जाएगा। जैसे 2 डे डिलीवरी इधर 0-0 दिखा रहा है, ऐसे ही यहाँ पे भी ये 2 डे सेल 0-0 दिखाएगा फिक्स 6 बजे। 6 बजे से फिर अपनी सेल स्टार्ट होगी तो यहाँ पे 1 लीटर, 2 लीटर, ऐसे करके हजारों लीटर में पहुँच जाएगी। अब आपको हिसाब कैसे करना है, ऐसे ही देखिए फ्रेंड, यहाँ पे डीजल का सिस्टम है, कैपेसिटी वही है, सब कुछ वही है, ये सेल है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए आप वहाँ के पंप के मैनेजर हैं, आपने सुबह मशीन स्टार्ट की, रीडिंग नोट की और आप वहाँ से चले गए हैं। तो अब आपको हिसाब किताब लेना है। तो यहाँ पे टोटल सेल आएगी, जितना भी जिस नोजल से भी हमारा पेट्रोल निकलेगा तो यहाँ पे टोटल होता जाएगा, चाहे 1 नंबर से निकले, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर, जितनी भी मशीन लगी होंगी आपकी, किसी भी नोजल से पेट्रोल डीजल निकलेगा तो यहाँ आएगा, पेट्रोल का इधर आएगा, डीजल का इधर आएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 123.94 लीटर है, यहाँ पे पेट्रोल की टेस्टिंग को माइनस कर देंगे। जैसे आपके यहाँ 2 नोजल हैं पेट्रोल के, 4 नोजल हैं, 6 नोजल हैं, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 2 नोजल हैं पेट्रोल के, तो 1 नोजल से 5 लीटर की टेस्टिंग होती है, 2 नोजल की कितनी हो गई 10 लीटर। तो यहाँ पे 123.94 यानी 123 लीटर में से आप 10 लीटर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 113 लीटर, 113.94। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है, 113.94 × आज का रेट है। तो आज का रेट कैसे पता करेंगे, आपको पता होगा कि मशीन पे आज का रेट आ रहा हो। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि पेट्रोल का चल रहा है 109.91 रुपये। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका 123.94 है यहाँ पे माइनस करेंगे 10 लीटर टेस्टिंग, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 113.94 और यहाँ गुणा कर देंगे आप 109.91 रुपये का। तो जितना भी आंसर आएगा वो हमारी टोटल सेल हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ करेंगे आप, जितने भी आपके डीजल के नोजल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी आपकी मशीन लगी होंगी वहाँ पे, यहाँ पे सब टोटल होता जाएगा। 2 डे सेल में यहाँ पे टोटल होता जाएगा कि आपका किस नोजल से कितना, टोटल नोजल से आपका कितना डीजल गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 नोजल का दिखाएगा, ये सभी नोजल का दिखाएगा। यहाँ पे जितने भी आपके नोजल होंगे यहाँ पे टोटल सेल होगी। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 4 नोजल हैं डीजल के, तो 4 नोजल का यहाँ काउंट हो रहा है। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे 119.60 हो गया है, तो 4 नोजल की टेस्टिंग कितनी हुई, 1 नोजल की होगी 5 लीटर, तो 4 नोजल की कितनी हुई 20 लीटर। 119.60 में से आप 20 लीटर घटाएंगे तो कितना हो गया, 99.60। अब 99.60 में आज के जो डीजल का रेट है उसका गुणा कर देंगे। जैसे कि डीजल का रेट क्या चल रहा है,
95 रुपये 12 पैसे। तो इसका पर लीटर 95 रुपये 12 पैसे है, तो इसमें हम आप यहाँ पे टेस्टिंग घटा के 20 लीटर की 119.60 है, तो यहाँ पे 99.60 × 95 रुपये 12 पैसे कर देंगे, यहाँ उसका गुणा कर देंगे, जितना भी आपका आंसर आएगा वो आपकी सेल की प्राइस आ जाएगी। इसमें आप 119.60 में से 20 लीटर की टेस्टिंग माइनस करेंगे गुणा ये 95 12, जितना भी आंसर आएगा वो आपकी सेल आएगी टोटल कि आपने इतने रुपए का पेट्रोल डीजल बेचा है। अब इसका डीजल का आंसर आ जाएगा, वो आपके पैसे निकल के आ जाएंगे कि आपने इतने का डीजल बेचा है। ऐसे ही यहाँ करेंगे आप, जैसे मान लीजिए यहाँ भी आपकी 20 लीटर की टेस्टिंग हुई है, 4 नोजल हैं, 5-5 लीटर की हर नोजल से टेस्टिंग हुई, तो 4 नोजल की कितनी हो गई है 20 लीटर। यहाँ पे 123.94 से आप 20 माइनस करेंगे तो 103.94, 103.94 में से आप 95, 103.94 × 109 रुपये 91 पैसे का आप गुणा करेंगे, जितना भी आपका आंसर आएगा वो उतने रुपए की आपकी सेल हुई है। अब इस यहाँ पे जितना आंसर आएगा और यहाँ डीजल का जितना आंसर आएगा दोनों को आप टोटल कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों को, जितना भी टोटल आएगा वो आपकी 2 डे सेल हो जाएगी, जितने भी रुपए की आपकी हुई होगी। तो ऐसे पेट्रोल पंप मशीन का टोटल सेल निकल आ जाता है। तो फ्रेंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं पेट्रोल पंप से जुड़ी वीडियो बनाता रहता हूँ। ओके फ्रेंड, नमस्कार।